युवती को जिंदा जलाया। यूपी के बुलंदशहर में एक युवक ने युवती को घर में बुलाकर पेट्रोल डाल जिंदा सिर्फ इसलिए जला डाला क्योंकि युवती के आरोपी युवक के बड़े भाई से संबंध थे। युवती को जिंदा जलाकर आरोपी फरार हो गया और युवती जिंदगी के लिए अस्पताल में लड़ रही है। वाकया बुलंदशहर के खोरजा कोतवाली नगर क्षेत्र के मुंडाखेड़ा इलाके का है जहां 20 साल की एक युवती को पड़ोस में ही रहने वाले युवक पवन ने पानी पिलाने के बहाने अपने घर पर बुलाया और फिर पेट्रोल डालकर जिंदा जला डाला। आग की लपटों में घिरी युवती खुद को बचाने के लिए चीखती चिल्लाती रही और आनन फानन में अपने जले हुए कपड़े उतार फेंके, जिसके बाद लोगों ने कंबल डालकर युवती की आग बुझाई और आनन फानन में खुर्जा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जहां से युवती को हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। वहां युवती जिंदगी के लिए लड़ रही है। बुलंदशहर के एसएसपी की माने तो पड़ोस में ही रहने वाला युवक पवन ने युवती को अपने घर में बुलाया था और अपने बड़े भाई से उसके अवैध संबंधों से खिन्ना था, जिसको लेकर पवन युवती पर पेट्रोल डाला और उसे जिंदा जला कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर और आरोपी के तलाश शुरू कर दी है। मीनू, हाँ मीनू, क्या हुआ था? घर से गई थी, अब तो क्या हुआ? अब मुझे गोबर उठवाने की वजह से उठवाया, बुलाया था मेरे से, अब बुलाना था। फिर क्या हुआ? उसने बाल्टी में पेट्रोल रख रखा था, मेरे पर डाल के ये कह रहा था कि तेरा बाप बीड़ी थी क्यों जीत गया, और दूसरी बात के मेरा भाई क्यों नहीं जीता, ताऊ का लड़का। अच्छा, कौन था वो? पवन, पवन। फिर उसने आग लगा दी आपने? हाँ, और दूसरी बात अपने भाई के चक्कर में और लगाई थी। उसका पूरा परिवार नहीं चाहता था कि मैं उससे बात करूं। क्या नाम है तुम्हारा? पवन कुमार। पवन कहाँ के निवासी हो आप? मुंडाखेड़े के। क्या मामला है? लड़की जलाने, लड़की आरोप लगा रही है कि परिवार वाले के तुमने पेट्रोल डाली और आग लगा दी है। नहीं सर, ये मैं तो भट्टे पे था, काम कर रहा था। मैं सुबह 6 बजे से चला गया, 7 बजे पहुंचा था वहां पर। थोड़ा टाइम देखा नहीं था मैंने, मैं 7 बजे करीब में पहुंच गया था। वहां से चला मैं 11 बजे करीब में, जब मालिक साहब आए, जब मैंने मैटर सुना था ना, तुम्हारे घर में किसी ने लड़की ने आग लगा ली है, मैं वहां से चला। फिर वहां से आने के बाद में सब कहने लगे, भाई पवन तेरा नाम ले रही है, अब तू जो घर आई हो मत ना, कभी तू फंसा जाए यहाँ पे आके नहीं। फिर मैं घर गया नहीं था। फिर सर का फोन पहुँचा था मेरे पास में, ना बेटा तू घर आ जाए, ऐसी कोई बात ना है, हम देख लेंगे जैसे भी है। और जो ये पेट्रोल लड़की बोल रही है ना, मेरे संबंध है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है कि पेट्रोल लगा के अपने आप आग लगाई है। और मैंने सुनी थी लोग भी कह रहे मोहल्ले के ना, इसका पिताजी लेके आए थे पौवे में पेट्रोल, बाद में जब आग पहले लगा ली और भी लेके आए थे इसके पापा जी, फिर वो पेट्रोल लाके इसको लड़की को दिया है ला के नहीं। अच्छा। ना सीधा मेरा नाम लगाए, ये तो फंसा जा रहा है मेरे के लिए और पूरे परिवार के लिए। को जलाने का मामला सामने आया, क्या मामला, किसने कार्रवाई की जा रही है? देखिए, थाना खुर्जा नगर के मुंडाखेड़ा गांव में एक 20 वर्षीय युवती जली हुई स्थिति में मिली है, जिसमें लगभग 30-40% तक जलने के लक्षण हैं। युवती द्वारा पूछताछ में क्षेत्राधिकारी को जो बयान दिया है, जो रिकॉर्डेड है, उसमें युवती का कहना है कि जो आरोपी पवन नाम का लड़का है, जो पड़ोसी भी है, उसके बड़े भाई के साथ इस लड़की के संबंध थे और छोटा भाई इस बात का प्रतिरोध करता था, और आज उसने पानी पीने के बहाने से उसे अपने घेर में बुलाया, जहां पर उसके ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगा दी, और उस आग लगाने से युवती लगभग 30-40% तक जल गई। फिलहाल छानबीन गहराई से की जा रही है। नामित अभियुक्त पवन को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें उल्लेखनीय यह है कि दोनों एक ही समुदाय के हैं, अगल बगल घर हैं, और घटनास्थल घर के सामने स्थित अभियुक्त पवन के ढेर का है, जहां पशु बांधे जाते हैं।